राधे राधे, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोनी सागर ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, हम भी सब बढ़िया हैं। तो गाइज, आज का हॉल है सरोजनी नगर हॉल, लड़कियों का मतलब सबसे फेवरेट, जो लड़कियां देखना पसंद करती हैं, क्योंकि सभी लड़कियां सरोजनी नगर जाने की फैन तो है ही है। हमें खुद सरोजनी नगर जाना बहुत पसंद है, मुझे खुद, क्योंकि भाई वहाँ पे रीजनेबल प्राइस में एकदम ड्रेसेस मिलती हैं। कुछ भी सामान ले रहा हूँ, मतलब ड्रेसेस कपड़ों के लिए तो वो फेमस है लड़कियों के। सस्ते कपड़े लो, दो चार बार पहनो, बेशक दे दो, कोई ऐसे दिल नहीं दुखता कि मेरी इतनी महंगी ड्रेस है। तो गाइस चलो, आज आता है हमारा सरोजनी नगर हॉल। पिछला हॉल आप सब लोगों को कैसा लगा? तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं ड्रेसेस से। मैं आपको अपनी पहली ड्रेस तो जो मैंने वियर कर रखी है यही देख लो गाइस, कितनी प्यारी ड्रेस है। इसका कलर कितना अच्छा है, मतलब फिटिंग वगैरह बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मतलब ऐसे ही, जैसे बल्कि मैं ना मॉल वगैरह कहीं से लेती हूँ ना, उनकी फिटिंग मुझे सही नहीं आती। सरोजनी नगर की ऐसी ड्रेसेस की फिटिंग मुझे बहुत अच्छी आती है। तो ये है मेरी पहली ड्रेस। तो गाइज ये सिर्फ और सिर्फ कितने की होगी बताओ? ये सिर्फ और सिर्फ 300 की ड्रेस है। तुम सोचोगे 300, क्योंकि जो सरोजनी नगर में आया वो तो यही सोचेगा, क्योंकि 300 में तो गाइज एक टी शर्ट भी नहीं मिलती। ये पूरी ड्रेस है 300 में। तो गाइज ये बताना कैसा लगा तुम्हें कलर? बिल्कुल न्यूड वाला कलर है ये, वैसा कलर है, तो मट्टी मट्टी वाला। तो बताना तुम सबको कैसा लगा, मुझे तो अच्छी लगी जब भी मैंने पहन रखी है। तो अब चलते हैं मेरी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। सेकंड ड्रेस वो है ये, मतलब ये वाली है टाइगर प्रिंट, शेर वाले प्रिंट की। ये देखो कैसी लग रही है ये तुम सबको बताना। ये मैंने ऐसे पहनूंगी, मैं यहाँ पे बेल्ट लगाऊंगी इसमें, फिर मैं इसे वेयर करूंगी, क्योंकि थोड़ी ऐसे लूज लूज है ना, तो मुझे एकदम लूज ड्रेसेस कम पसंद है। तो मैं इसमें बेल्ट लगा के इसे जब वेयर करूंगी, तो जब ये पहनूंगी, जब देखना इसकी मेरी फोटो या रील मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। तो गाइस ये वाली भी बताना, और इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 200। 200 में गाइस क्या ही आता है, और ये देखो पूरी ड्रेस आ रखी है। तो बताना तुम सबको ये कैसी लगी। नेक्स्ट ड्रेस मेरी, मैं ज़्यादा कर ना ड्रेस ही लाई हूँ इस बार, क्योंकि हम अभी घूमने गए थे ना, तो ड्रेस ही लाई थी। ये देखो कितना अच्छा तो इसका प्रिंट है, कितना अच्छा इसका कलर है, और कपड़ा तो गाइस इसका कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, इतना मुलायम सा कपड़ा है कि मतलब पहनो तो चैन ही चैन, बिल्कुल ना गर्मी लगेगी इसमें ना कुछ। देखो कितना प्यारा कपड़ा है, प्रिंट वगैरह सब कुछ। ये भी गाइस सिर्फ और सिर्फ 200, या फिर पता नहीं 150 ऐसी होगी। जो सरोजनी नगर जाता है उसे पता ही है कि 150 और 200 में तो वहाँ क्या ही आ सकता है। ये वाली कमेंट करते रहना जो जो ड्रेस तुम्हें पसंद आए। अब चलते हैं हमारी थर्ड ड्रेस, वो है ये, कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस भी। इतना मतलब गला वगैरह, इसका बैक सब कुछ इतना प्यारा है, और मतलब इस पर ये नेट का वर्क है, जैसे नेट में है ड्रेस, इसके नीचे ये कपड़ा भी लगा हुआ है, और ये पैडेड है ड्रेस, तो मतलब लड़कियों को पहनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसे भी वेयर कर सकते हैं, क्योंकि गला डीप है ना। तो गाइज ये ड्रेस भी पहन के बहुत सुंदर लग रही थी, ये भी 300 की ड्रेस है। तो गाइज 300 में क्या ही आता है देखना, वो भी पैडेड ड्रेस है ये, तो कितनी प्यारी लग रही है। अब चलते हैं फोर्थ ड्रेस की तरफ। फोर्थ मेरी यही है जो मैंने, तुमने पिछले मेरे हॉल में देखी होगी, मैंने वेयर कर रखी थी ये वाली, वो ये ड्रेस थी। वो मैं, तुमने फुल नहीं देखी होगी क्योंकि मैंने सिर्फ हॉल बना रखा था, तो आधी दिख रही होगी। इसका कलर भी कितना प्यारा है, मतलब ना ये ब्लू कलर है, पता नहीं अलग सा ही कलर है ये भी, और इनका कपड़ा होता है जो मतलब टावल होते हैं ना, वो वाला कपड़ा है ये। तो गाइज ये भी बहुत प्यारी लग रही है, कॉलर ड्रेस है ये, कॉलर है इसमें, मुझे कॉलर वाली ड्रेस टी शर्ट बहुत पसंद है। तो ये वो है, ये भी गाइज 200 या 300, मतलब सरोजनी नगर की तो सारी ही ऐसी होंगी। अब चलते हैं मेरी फोर्थ ड्रेस की तरफ, ये देखो ये भी गाइज बहुत सुंदर ड्रेस है, और एकदम कंफर्टेबल ब्लैक कलर की ड्रेस है। इसका ऊपर का नेट का है सारा, ये ऐसे नेट है थोड़ा सा, मतलब पहनोगे तो दिखता है यहाँ का, और यहाँ का कपड़ा अलग है। पर गाइज ये बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छी ड्रेस है, और ब्लैक कलर तो अच्छा लगता ही है पहनने के बाद, आप सबको पता ही है ब्लैक कलर तो सबका ही फेवरेट होता है। तो
तो गाइज ये ड्रेस थी 200 इतने की होगी, क्योंकि गाइज वो बोलते तो वहाँ पे ऐसे है 700 800, पर तुम बार्गेनिंग कराओगे तो वो 100 200 में आ जाते हैं, मतलब दे देंगे तुम्हें इतने तक की ड्रेस जो भी ये होती है। कहीं घूमने जाओ अपने ले आओ, पहनो दे दो किसी को, कोई फर्क भी नहीं पड़ता भाई सस्ती वस्ती ड्रेसों का, महंगी लाओगे तो। और ये देखो मैं डेनिम भी लाई थी एक, कैसी लगी बताना जरूर। ये भी बहुत सुंदर डेनिम है, इसकी फिटिंग इतनी अच्छी है ना, ना इसमें से मैं, और हाँ मैं सरोजी नगर से जो भी कपड़े लाती हूँ पहले ला के धोती हूँ गाइस, क्योंकि वहाँ पे इतनी धूल मिट्टी और मतलब एरिया थोड़ा वैसा सा है, तो किसी को इचिंग हो कुछ हो तो इससे अच्छा धो लो। तो मैं ये डेनिम लाई थी, इसमें से बिल्कुल भी कलर नहीं निकला और इतनी अच्छी इतनी कंफर्टेबल पहन के, और सिर्फ 150 की है ये डेनिम स्कर्ट। तुम कहीं मॉल से या कहीं से लोगे तो ये 1500 2000 से कम की बिल्कुल नहीं मिलने वाली, और ये सिर्फ 150 की है। तो ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना कैसी लगी। और ये चलते हैं अब नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये देखो ये है वाइट कलर की, बिल्कुल स्किनी ड्रेस है, मतलब बॉडी फिट है ये, बिल्कुल तुम पहनोगे तो तुम्हारी बॉडी की फिटिंग ले लेगी। ये भी कॉलर में है गाइस, मुझे कॉलर वाली पसंद आती है तो मैं छोड़ती ही नहीं हूँ, मुझे अगर दिख जाए तो। गाइस ये भी सिर्फ 200 की ड्रेस थी, ये देखो ये भी मैं पहनूंगी जल्दी, देखना बहुत सुंदर लगती है ये वाली भी। ये मैंने सब वॉश कर रखे हैं, तो ये भी बताना जरूर कमेंट करके कैसी लग रही है तुमको। ये थोड़ी महंगी है, ये मैंने सरोजी नगर के इनसेंस से ली थी गाइज, वहाँ पे बिग सी इनसेंस है, तुम वहाँ से लोगे वहाँ तो महंगी मिलनी ही है ड्रेसेस। ये देखो ये दी थी शायद 1500 की, और उनमें और इनमें क्या फ़र्क है देखो, बस थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, बस ये शोरूम में है, वो बाहर छोटी दुकानों में होती हैं। ये देखो ये भी ब्लैक कलर की, ऊपर का ऐसा प्रिंट, इसमें तो मैंने रील्स भी डाल रखी है, आप लोगों ने देखी ही होगी। तो गाइज ये भी बताना कमेंट करके, ये भी मेरे को मतलब पहनने के बाद बहुत सुंदर लगी थी। अब ये लास्ट ड्रेस है इसके, ये भी गाइज बहुत प्यारी ड्रेस है, देखो पूरी लॉन्ग ड्रेस है ये, ऐसे पीछे से क्रॉस वाला इसका डिज़ाइन है। और गाइज ये भी सिर्फ 200 की ड्रेस थी, पर ये पहन के बहुत सुंदर लगती है, मतलब बहुत प्यारी ड्रेस है ये भी गाइस। तुम बता रहा आप लोगों को कैसी लगी, मुझे तो ये बहुत प्यारी लगती है, इसका कपड़ा भी बहुत मतलब ऐसा है, अच्छा सा कपड़ा है पहन के, मतलब गर्मी नहीं लगती इन ड्रेसेस को। तो गाइस अब मेरी ड्रेसेस तो देखो मैं इतनी लाई इस बार, अब मैं सरोजिनी नगर का विंटर हॉल बनाऊंगी, अब जाऊंगी तो मैं, क्योंकि अब विंटर आ जाएंगे अगले महीने, तो जब मैं विंटर का सामान लाऊंगी तो वो भी तुम ज़रूर देखना मैं क्या क्या लाऊंगी, कैसे स्वेटर मिलते हैं वहाँ, कैसी मतलब ठंड की भी मतलब विंटर की भी पूरी फुल ड्रेसेस भी मिलती है सारी चीज़। तो वो मैं एक महीने बाद आएगा वो मेरा हॉल, क्योंकि मेरा अभी कोई प्लान नहीं है जाने का, जब जाऊंगी जब मैं ज़रूर लाऊंगी वहाँ से विंटर कलेक्शन। अब चलते हैं मेरे इयररिंग्स के ऊपर, ये देखो गाइस ये सोचो कितने कितने के इयररिंग्स होंगे ये गाइस, सिर्फ 30 रुपीज़, मतलब 30 रुपये का एक है ये, कितना प्यारा है देखो वाइट कलर का। मैं ये 4-5 लाई थी, ये बहुत सुंदर है गाइस, मतलब ये ना टूटते फूटने का डर है, ऐसे मतलब टूट जाएंगे, सही मजबूती भी है इनमें। तो ये गाइस एक वाइट कलर का एक, ये देखो कितने प्यारे हैं, ये भी गाइस 30 रुपीज़ के, मतलब सब 30 का ही था। इयररिंग्स मैंने 5 पेयर लिए थे, तो गाइस तुम बताना, ये मैंने अभी पहना था राधाअष्टमी वाले दिन, मेरे सूट से मैच थे, तो ये भी कितने प्यारे लग रहे हैं, ब्लू और अलग सा कलर है इनका, ग्रीन ग्रीन सा। 5 पेयर लिए थे बस मैंने, क्योंकि गाइस मैं ना इयररिंग्स वगैरह ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, ये पहन रखे हैं ना बस, मुझे यही छोटे छोटे पसंद है, ये भी मैं सिर्फ इसलिए ले आती हूँ, मुझे क्यूट लग रहे हैं प्यारे लग रहे हैं, तो मैंने ले लिए कि कहीं किसी ड्रेस वगैरह पर वेयर कर लूँगी। देखो ये भी कितने प्यारे लग रहे हैं, ये मैंने एक बार पहने हैं, और ये देखो ये कितने सुंदर है, यहाँ पे ये शंख से लगे हुए हैं छोटे छोटे से, कितने प्यारे हैं, और बिल्कुल लाइट वेटेड है, बिल्कुल हैवी नहीं है, तुम्हारे कान बिल्कुल भी नहीं दुखेंगे। और एक ये है गाइस, ये जो बोह ज्वेलरी होती है ना उस टाइप की है,
ये भी ऐसे ही थी 100 150, इतनी सारी मिलेगी तुम्हें वहां सरोजी नगर में ऐसी ज्वेलरी। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो गाइस बस मेरा सरोजी नगर हॉल में अभी तो इतना ही है। अब मैं जाऊंगी विंटर्स में, जब तुम्हें और बहुत कुछ देखने को मिलेगा तो मेरी ड्रेसेस में से जरूर कमेंट करके बताना तुम्हें कौन सी ड्रेस सबसे प्यारी लगी, सबसे पसंद आई मेरी। मुझे तो सारी प्यारी लगती है इसलिए मैंने ले रखी है। और मैं पहन के भी जल्दी दिखाऊंगी तुम्हें, मेरी रील्स में देखने को मिलेंगी या फिर यूट्यूब की किसी वीडियो में, कहीं जाऊंगी तो ज़रूर वेयर करूंगी। तो गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट हॉल जिस भी चीज़ का आएगा तुम देख लेना और मुझे कमेंट ज़रूर कर देना किस चीज़ के ऊपर मैं हॉल बनाऊँ। तो गाइज लाइक कॉमेंट शेयर, नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई हो तो भाई लास्ट तक पूरी वीडियो देख के कमेंट ज़रूर करके जाना। तो गाइज राधे राधे।